भाई मुझे पढ़ना है, सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना है। खुद को बहुत बार समझाता हूँ लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है साली हिम्मत टूट जाती है। जबकि मैं जानता हूँ कि पढ़ाई से ही मेरा फायदा होगा, मोबाइल जब हाथ में आता है तो पढ़ने से मन हट जाता है। ऐसे कैसे पढ़ाई कर पाऊंगा भाई, मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। भूल जा सब कुछ और मेरी बस एक बात का जवाब दे, जो इतने टॉपर्स हैं क्या उन्हें ये प्रॉब्लम्स नहीं आती? आती है ना, उनका भी मन करता है ना दोस्तों के साथ मस्ती करने का, तो फिर वो कैसे टॉप कर लेते हैं? देख भाई, जिनको पढ़ना होता है ना वो लाख मुसीबतों में भी बस पढ़ने की सोचते हैं, और जिनका मन पढ़ने का नहीं करता ना वो बस फेसबुक व्हाट्सएप का बहाना मारते हैं। और रही बात पढ़ते समय याद ना होने की, तो याद कर ही मत ना, रट्टा मार मार के कितने दिन याद रख लेगा? रट्टा मार कर तो क्लास में अच्छे नंबर ला सकता है लेकिन जॉब के इंटरव्यू के लिए तेरी काबिलियत देखेंगे, इसलिए रट्टा मारने से बढ़िया है समझो। एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा पढ़कर समझने की कोशिश करो, दोबारा नहीं आ रहा तो फिर समझने की कोशिश करो। अब ये कब तक समझ में नहीं आएगा? और एक बार जब समझ में आ गया ना तो हमेशा याद रहेगा। और वैसे भी यार, अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त जल्दी से समझ में कहां आते हैं? देख मैं मानता हूं कि जल्दी से पढ़ने में मन किसी का नहीं लगता, लेकिन यही चीज तो लोगों को टॉपर्स और फेलियर बनाती है। जो अपने मन को काबू में रखकर पढ़ते हैं वो कुछ कर जाते हैं, और जो नहीं पढ़ते वो डर जाते हैं। और जब भी पढ़ाई करने में मन ना लगे तो अपनी आंखें बंद करके अपने पेरेंट्स के बारे में सोच, जो अपना खून पसीना एक करके सारा पैसा तेरी पढ़ाई में लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि तुझे बड़ा होकर वो काम ना करना पड़े जो उन्होंने किया है। जब भी तेरा मन पढ़ाई से हटकर किसी और चीज में लगे तो अपनी फैमिली की सिचुएशंस को याद कर, और उनकी जो उम्मीदें हैं जरा उनके बारे में भी सोचियो, फिर देखियो तेरा मन पढ़ने में कैसे लगेगा। और एक वादा कर खुद से, जिंदगी में कभी भी नंबरों के लिए पढ़ाई नहीं करेगा, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड के नंबर सिर्फ स्कूल और कॉलेज में मैटर करते हैं, बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है भाई। यहाँ तेरी काबिलियत और तेरा अनुभव जज करेंगे जो तुझे किताबों से पढ़कर मिलेगा, किताबों को रटकर नहीं। तो उठा अपनी कलम और किताब, सॉल्व कर सारे सवालों के जवाब, रुकियो मत बस आगे बढ़। जो 2 घंटे पढ़ता था अब 4 घंटे पढ़, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अब भटकने मत दियो खुद को चाहे मन कितना ही ललचाए, हो सकता है जिस फेसबुक को चलाने के लिए आज तू तरस रहा है कल उसी कंपनी में तेरी जॉब लग जाए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि हम सभी एक बेहतर इंसान बन सके और लोगों की मदद कर सके। आप देखना, आपकी मदद एक दिन आपकी सफलता का कारण जरूर बनेगी। और अगर आप ऐसे ही वीडियो को चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके।